खुद को लीडर कहती है लेकिन उनको खुद को बेनजीर मानती है वो। आप इनका हाल देखें कि सारी जिंदगी इसका बाप बेनजीर भुट्टो को टैक्सी कहता रहा और आज अपनी बेटी की मिसाल देता है कि वो बेनजीर भुट्टो है। तो ये जो एक हकीर सोच है वो आप नहीं बदल सकते। पटवारियों की एक स्पेसिफिक सोच है और बाप बेटी का सोचेगा, बेटी बाप का सोचेगा, कोई अवाम के बारे में ये नहीं सोचता। खान साहब ने गौर अली साहब को हम में से चुना ना, वो उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी पार्टी है और ये इंसाफ की बनी हुई पार्टी है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान के ऊपर लोगों के जायक केसेज है और हम कानूनी और आईनी जंग लड़ रहे हैं। हमने कोई इदारों के ऊपर चढ़ाई नहीं की। हमें खान साहब ने हमेशा ये समझ दिया कि ये इदारे भी मेरे हैं, ये मुल्क भी मेरा है, ये तमाम इदारे मेरे। जब आपके अंदर हराम रिस्क होगा तो हराम की तरफ हलावा देगा। इस वक्त दो लीडर लीडर तो मैं खैर उसको कहता ही नहीं हूँ क्योंकि शाहीन और गिद्ध का कोई मुकाबला नहीं होता। राइट मैन ऑन द राइट जॉब जब आएगा, इमरान खान का ये असल मकसद है, नजरिया है, उस वक्त पाकिस्तान ने बेसिकली तरक्की करनी है। ये जज्बा खान साहब में क्यों है और ये अदर क्यों नहीं पाया जाता, ये जज्बा अदर पॉलिटिशियन में क्यों नहीं पाया जाता, ये कोई चीज होती है या कोई ताबीज होता है जो खान पी लेता है बंदा, या क्या वजह है? ये तो होता है और शाहीन, मगर शाहीन इमरान खान की बात करूं, उसने हमें शिकार करना सिखाया। ये तो होता है नवाज शरीफ, सिंपल। मैं तो मेरा नवाज शरीफ मरियम साहिबा कहती है, शेर है आप कहेंगे तो शेर, वो कहने से नहीं होता। नो से नो टू डेट। हमारा जो खान साहब का जो पसंदीदा किला जो मेरी नजर में है वो है उंगलों का कि भाई गुड गवर्नेंस। इमरान खान साहब नजर बंद है। इमरान खान साहब से प्यार करने वालों की तादाद इस टाइम लाखों नहीं करोड़ों में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के पास और अडियाला जेल के पास आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब यहाँ पर नजर बंद है और रोजाना लोग अकीदतमंद उनसे प्यार करने वाले यहाँ पर हाजिरी देते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिन्हें मैं तकरीबन कोई 6-7 साल से तो मुसलसल देख रहा हूँ, हर जलसे, हर एहतजाज, हर प्रोटेस्ट में यहाँ पर मौजूद होते हैं, जानते हैं कि इमरान खान साहब से इनका रिश्ता क्या। सर जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जब स्टूडेंट था 96 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से मैं खान साहब के साथ हूँ और हम 18-20 लोग थे जो सबसे में दुनिया था और पहला ऑफिस हमने लिया था शादमान पे, जो मैं उस वक्त से खान साहब के साथ हूँ और नजरिए के साथ हूँ। नजरिया इंसान को इधर उधर टक मगाने नहीं देता क्योंकि जब आप नजरिए के साथ होते हैं तो ये इमाम अली मकाम से लेकर आज तक वो चीजें नीचे सफल कर रही, तो खान साहब के साथ दिलो जान से हैं और जान तक कुर्बान कर देंगे। कौन सी ऐसी वजह है कि खान साहब के साथ होने पर मजबूर हुए और इस मुश्किल वक्त में तो बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे जो है अपने वालदैन को छोड़ देते हैं और आप खान साहब को भी छोड़ रहे हैं? हाँ, ये मैं बहुत जगहों पर ये सवाल देखता हूँ लोग कहते हैं कि जब मैं सारे मुल्क के बच्चों को अपना बच्चा समझूंगा ना, मैं अपने बच्चे कुर्बान कर दूंगा, जब मेरी ये फसल सारी तैयार होगी ना, मेरे नहीं तो किसी के बच्चे तो यहाँ मौज करेंगे, पर मौज से मुराद भी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे ना। तो नजरिया इमरान खान ने हमें दिया कि ना अपने लिए ना जियो, इंसानियत के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए जियो। आज पाकिस्तान जिस जगह पे है, मैं अपने लिए कोशिश कर रहा हूँ हर कोई, जब हम इस चीज को हटा के पाकिस्तान के लिए आगे जाएंगे, डजंट मैटर कि मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं मिला तो खैर है, मगर मैं आपके बच्चों को, भाई के बच्चों, किसी के बच्चे जब अपनी जगह पे, राइट मैन ऑन द राइट जॉब जब आएगा, इमरान खान का ये असल मकसद है, नजरिया है, उस वक्त पाकिस्तान ने बेसिकली तरक्की करनी है। ये जज्बा खान साहब में क्यों है और ये आदर क्यों नहीं पाया जाता, ये जज्बा आदर पॉलिटिशियन में क्यों नहीं पाया जाता, ये कोई चीज होती है या कोई ताबीज होता है जो खान पी लेता है बंदा, या क्या वजह है? बेसिकली मैं कहता हूँ हलाल रिस्क। जब माँ बाप आपको तरबियत जो चीज है जो हमारे यहाँ आज नहीं, आज देखो ना, पढ़ा लिखा बच्चा होगा मगर तमीज से ना वाकिफ होगा, तो उनकी वालदा ने खान साहब अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि माँ हमें पकड़ के ले जाती थी इस स्टोर पे या इस तरह, तो वो तरबियतें जो है ना आज हमारे अंदर हमारे मुआशरे में फुकदान है। जब जब तरबियत और आपको हलाल रिस्क दिया जाएगा तो हलाल की तरफ वो हलावत देगा, जब आपके अंदर हराम रिस्क होगा तो हराम की तरफ हलावत देगा। इस वक्त दो लीडर लीडर तो मैं खैर उसको कहता ही नहीं हूँ क्योंकि शाहीन और गिद्ध का कोई मुकाबला नहीं होता, गिद्ध होता है और शाहीन, मगर शाहीन, इमरान खान की बात करूं, उसने हमें शिकार करना सिखाया। और ये तो होता है नवाज शरीफ, सिंपल। मैं तो मेरा नवाज शरीफ मरियम साहिबा कहती है, शेर है आप कहेंगे तो शेर, वो कहने से नहीं होता, शेर प्रैक्टिकली दिखाता है। शेर ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सेव कर दो और बाकी बच्चों को रुला दो,
हमारा मुर्शिद लोगों के उन मैंने देखे व्यूज के लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जो आम लोगों ने इलाज करवाए और जो उस हॉस्पिटल में ख्वाब नहीं देख सकते थे उन्होंने अपनी माओं के अपनी बहनों के इलाज करवाए तो वो कैसे मुर्शिद को सलूट ना करें कैसे प्यार ना करें क्योंकि दिल से इकबाल ने कहा कदर दिल से होती है यहाँ से प्यार जबानी कलामी कुछ नहीं है जी जब आप मुश्किल वक्त है आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं ना तो मुझे आप कहेंगे ये लफ्जी वाला मैं क्यों यहाँ हर वक्त पहुंचता हूँ मैं उसके नजरिए के लिए खड़ा हूँ सर दे दूंगा मगर ऐसा नहीं हो सकता मैं मेरे बीवी बच्चे हम दो दफा गिरफ्तार हो चुके विद फैमिली मगर क्यों कहा है और मेरे बच्चे मुझसे आते हैं मतलब यंग है अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल में है वगैरह वगैरह तो वो क्यों कि मैंने उनके अंदर जरासीम डाले कि बेटा ना कंप्रोमाइज वाला तो काम ही नहीं है वो बंदा ही नहीं होता और मैंने एक शेर लिखा था कि मर्द वो होते हैं जो मुश्किलात को हल करते हैं वो मर्द नहीं होता कि मुश्किल के आगे भाग पड़े ये बैठा हुआ है अंदर कैद ये नहीं है ये आजाद है बाकी कैद हैं जो कभी अमेरिका भाग दें कभी किधर भाग दें हमारे साथ काबिश फारूक साहिबा यहाँ पर मौजूद है इससे भी बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे किस मकसद से यहाँ पर आते हैं क्यों आती है कौन सा जज्बा होता है कि आप खान साहब के लिए दीदार भी नहीं होता या तो दीदार हो तो बंदे को ये पता होता है कि मैंने जाके दीदार करना है तो दीवार को चूम के जाती है दीवार को देखती है क्या वजह खान साहब को खान साहब से मोहब्बत इसलिए है कि ये वाइस शख्स है जो पाकिस्तान की तैयारी पाकिस्तान की गुडवुक तैयारी और पाकिस्तान के सामने जंग है जो ये समझते हैं कि इन्होंने खान साहब को कैद कर लिया है तो उनके लिए वो नहीं है कैद आप सब है आप सबकी सोच कैद है वो खान साहब को कहा गया कि आप बाइक चले जाएं लेकिन उन्होंने आजादी पे अपनी कैद को तंजी क्यों दी क्योंकि वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते हैं वो मुझे और आपको आजाद देखना चाहते हैं वो हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को आजाद देखना चाहते हैं 75 साल से एक ही पैटर्न के मुल्क को चलाते आ रहे हैं तो खान साहब ने आके इस पैटर्न को बदला और अल्लाह ने उनको चुन लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं वो काम जो पाकिस्तान अच्छा आप तो जैसे कह रही है हमने तो सुना है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ चुके हैं और वो फरमाते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को हम आपने मौका दिया तो वो पाकिस्तान को बदल देंगे पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे तो आप नहीं समझते कि दूसरा शेर जो बाहर है ये जिम्मेदारी उस पर डाली जा रही है देखिए शेर पता नहीं आप किसको कह रहे हैं मैं तो मरियम साहिबा कहती है या उनका इंतखाबी निशान है तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ मरियम साहिबा तो अपने आप को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी कहती है उनमें क्या कैलेबर है कोई कैलेबर नहीं है उनके पास प्राइम मिनिस्टर की कोई एक चीज नहीं है खुद को लीडर कहती है लेकिन उनको लीडर को बेनज़ीर मानती है आप इनका हाल देखें कि सारी जिंदगी इसका बाप बेनज़ीर भुट्टो को टैक्सी कहता रहा और आज अपनी बेटी की मिसाल देता है कि वो बेनज़ीर भुट्टो है तो ये जो एक हकीर सोच है वो आप नहीं बदल सकते पटवारियों की एक स्पेसिफिक सोच है और बाप बेटी का सोचेगा बेटी बाप का सोचेगा कोई अवाम के बारे में ये नहीं सोचता और खान साहब ने गौर रही साहब को हम में से चुना ना वो उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी पार्टी है और ये इंसाफ की बनी हुई पार्टी है और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान के ऊपर लोगों के जायक केसेज है और हम कानूनी और आईनी जंग लड़ रहे हैं हमने कोई इदारों के ऊपर चढ़ाई नहीं की हमें खान साहब ने हमेशा ये समझ दिया कि ये इदारे भी मेरे हैं ये मुल्क भी मेरा है ये तमाम इदारे मेरा है अच्छा मैम एक बात मैं क्योंकि पश्तून हूँ आप ही पख्तून मटी से ताल्लुक रखती है हमारे बुजुर्ग जो है वो हमें कहानियां सुनाते होते थे हमारे आबाओ अजदाद की दलेरी की कि पख्तून ने ये किया पाकिस्तान की आजाद की अंग्रेजों से भी लड़ते रहे लेकिन मुझे वो पख्तून वो मेरे दलेर को वो पख्तून वो कहाँ गए वो नजर नहीं आए सही है कुछ की खामोशी है इनका तो बंद है हमारा दौर आएगा जस्ट वेट एंड वॉच अभी आप देखें पख्तून ने तो हल्की सी हवा दिखाई अभी आपको खान साहब की एक आवाज के पख्तून क्या पूरा पाकिस्तान एक होगा लोग खामोश हैं सब्र से बैठे हुए क्योंकि हर एक शख्स जानता है कि यूसुफ को भी जिंदान में डाला गया था फिर जब वो निकला तो मिस्र पे उसने राज किया यही खान साहब का भी होगा आप देख लीजिएगा एक तरफ परवेज फजल साहब और दूसरी तरफ एक शेर अफजल साहब जिन्हें 4-5 महीने से कोई जानता नहीं वो आके इमरान खान के साथ खड़ा हो गया आप इन दोनों पख्तूनों में क्या फर्क देखते हैं परवेज कटक तो लौटा है सर लौटा इज ऑलवेज राइट परवेज कटक को किसी ने वोट भी नहीं देना आपने उनके हल्के में देख लिया कल क्या हुआ सब खान साहब की आवाज बन के हर शख्स बाहर निकला जहाँ मरवत साहब को हम सब सलूट पेश करते हैं राजे कैसे ही पेश करते हैं इन हालात में फ्रंट लाइन पे फ्रंट वॉरियर है वो हमारा वो फ्रीडम वॉरियर है वो फ्रीडम फाइटर है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती उनके लिए ही इज अ हीरो पर्सन इन फ्रीडम फाइटर परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी मेरी है पीटीआई को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं परवेज खटक हूँ और मैं पीटीआई को खत्म कर दूंगा
पीटीआई को परवेज खटक और महमूद खान मिलकर खत्म कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? परवेज खटक के घर वालों से पूछ रहे हैं, शायद मोदी उसको ना पहचाने, उसके घर वाले अब नहीं पहचानेंगे, वो पीटीआई की वजह से महमूद खान और परवेज खटक के, पीटीआई नहीं है, इनकी कोई बुकत नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप उनके घर वालों से पूछ रहे हैं, कोहाट और दूसरा जज साहब ने दे दी है। खान साहब का मुस्तकबिल, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रही है आवाम को जरा बताएं, क्योंकि आप यहाँ पर गेम में आई हैं, तो क्या देख रही हैं? देखिए, सियासी पार्टियां तब खत्म होती हैं जब अवाम के दिलों से और दिमागों से निकल जाए। इमरान खान इश्क है इस अवाम का, इमरान खान तब खत्म होगा जब मैं ये या कोई एक भी पीटीआई का वर्कर बाकी नहीं रहेगा। अगर एक भी पीटीआई का वर्कर बाकी है तो इमरान खान भी जिंदा है, उसका नजरिया भी जिंदा है, और पूरे मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी जो है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पूरी दुनिया में दसवीं बड़ी जमात है। ये अगर मैं और आप घर में बैठ के सोचें कि खत्म हो गया, इस तरह खत्म थोड़ी होगी, ये हमारी सोच का। आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ नोट साहब भी मौजूद है, इनसे जरा पूछ लिया सर, खान साहब की कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा जुमला कि आप वकील है और वकील की ज्यादा कोशिश होती है कि अमाउंट ज्यादा से ज्यादा है, बैंक अकाउंट जो है भरे रहे, आपने बैंक अकाउंट की तरफ तवज्जो करना छोड़ दी? गवर्नमेंट जहाँ आपका आईन आपके आम आदमी को देखिए, हर बंदा जो है उसकी एक डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, वकार है, एक वेट है, सही है। ये जो चंद गिने चुने लोग हम हुक्मरानी का हक रखते हैं, नो से नो टू, हमारा जो खान साहब का जो पसंदीदा जुमला जो मेरी नजर में है वो है रूल ऑफ लॉ कि भाई गुड गवर्नमेंट, डेवलपमेंट तब होगी जब गवर्नेंस। ना ये बता दीजिएगा, एक तो शाहजैद खानजादा का हमने प्रोग्राम देखा।